इधर आओ फास्ट का, यहाँ पे पकड़ने के लिए जगह। तुम बराबर आते वो आर के का तो सुर मार दे है ना आर के फेंको। आराम से आराम से, वहीं पे मछली है। पकड़ो ना पकड़ो ना, बता मैं शाबाश क्या बात ये था ये शाबाश शाबाश, जमा रे जमा रे जमा रे। उतरो कहीं भी वीडियो जोड़ देना बोलना। हमारे फयाज खान ने आज छोटे गलछड़ी शिकार किया है, वैसे कास्टिंग की छड़ी लाए थे हमने, देख सकते हैं आप। ये राजू भाई, रिजवान भाई और ये हमारी, ये देख सकते हैं यहाँ पे आए हैं। तो हमारे फयाज खान ने देख सकते हैं, फयाज खान ये कैसे पकड़े आपने इतने सारे? गलछड़ी से। गलछड़ी से पकड़े? कौन से गलछड़ी से? छोटी गलछड़ी से। अच्छा छोटी गलछड़ी से पकड़े हो क्या? गल लगा के। अच्छा अच्छा अच्छा, इतने सारे पकड़े हो। हाँ हाँ, और है कुछ? और है? हाँ। अरे माशाल्लाह आपकी ठंडी हो गई है। इधर है पहले नहीं। चलो माशाल्लाह, अब देख सकते हैं आज का शिकार हम लोग। और फयाज खान आप यहाँ पे क्यों सफा कर रहे हो इनको? अरे का घर वालों को उतराज देना भाई, शाम को जाते 8-9 बजे घर को। हाँ। अब बोलो उतने टाइम में इस हंडी बनाना क्या, इसको साफ करना? सही सही होता क्या करके यहाँ से साफ सफाई करके लेके जा रहे? क्यों ज्यादा देर रही तो खराब हो जाती है? खराब भी हो जाती है मछली, ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए। कोर्सी है? कोर्सी। अच्छा कोर्सी। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा देर रखो तो खराब हो जाती है। अच्छा ले लेना जल्दी। और ये आर के साहब को मिले क्या? आर के साहब को मिले ना, झींगे झींगे मिले। हाँ चलो ठीक है, मैं उनको बताओ उनके पास से आता हूँ। देख सकते हैं हमारे आर के को बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही झींगे की शिकार हो गई है। और ये इनकी मूछें हैं बड़ी बड़ी। ओहो कैसे पकड़े आर के साहब आपने ये? हमने इससे पकड़े गल से। अच्छा 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 अच्छा, बताओ जरा से दूर में। अच्छा बड़े बड़े झींगे ये धरन पर नीरे झींगे ये तो खाने में कैसे लगते हैं? बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा अच्छा, कैसा जैसे लगते हैं? कैसा बनाना पड़ेगा आप बता? बनाते हैं इसको उबाल को, उबाल के ये जो पैर वैर है वो सब फेंक देना है ना? हाँ सब, और अंदर ये निकल जाता है, मजा आता है। 1 लाख की मंकी गए। अच्छा अच्छा चलो अच्छा है। राजू भाई आपको कुछ मिला नहीं है क्या? ये झूठे बात कर रहे हैं, झींगे हमको मिले हैं। हाँ राजू भाई आपको नहीं मिले क्या कुछ? हाँ ये हमारे राजू साहब ने फलिया लाए थे हम लोग के लिए, हम लोगों ने फलिया खाए हैं और हमारे राजू साहब दूसरी गलछड़ी बांध रहे हैं, देख सकते हैं आप काफ़ी थक चुके हैं वो। इसको भी छिलना पड़ेगा कि फैस खान ये भी खराब हो जाएगी? हाँ ये भी खराब हो जाते हैं, ये खराब नहीं होते आपके घर को जा तक रहते। बहुत ही बढ़िया तरीके से झींगे पकड़े आपने और खाने में स्वादिष्ट लगते हैं आर के साहब ने कहा है ना आर के साहब? क्या पकड़ा रहे मरल? पकड़ा किस तरह से साफ कर रहे हैं झींगे देखना मरल का। जाना तो तू भी उधर, तू भी तो जा, मैं आ रहा ना। चारू ये हमारे फयाज खान मच्छी खराब होने की वजह से उनका यहीं पे पोस्टमार्टम कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। इस तरह से छिलके रख दो, दिन भर भी आपकी मच्छी खराब नहीं होगी, है ना फयाज खान? हाँ मच्छी मिल गई तो तुरंत उसको छिलछाल करके रख दो, 8-9 बजे तक भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। अब
ये सफा हो गया इसका पेट, अब इसको धो धा के रख देंगे फ्रेश। मजाक नहीं आई जैसे मेरी, देखो साहब कास्टिंग खेल रहे हैं। आज दस वीडियो देख दो फिर भी नहीं फेंक के आ रही। अबे शाहरुख इतने बड़ा बड़ कर रहा उधर, रोवन मिर्गल, रोवन मिर्गल। अरे यार आटा, आटा क्यों नहीं लगा है? आटा अपने पास चलते हैं। अरे इतने भी अबे टाइम कितना हो रहा है, तो गल तोड़ दिए क्या तुमने उसके? नहीं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं आर के साहब ने तीसरा झींगा पकड़ा है और इसके ये देखिए कितना बड़ा इसका ये होता है, और ये बहुत बड़ा झींगा मिला है इनको। आर के साहब बड़े खुश, और झींगा झींगा ढांगड़ झींगा झींगे बहुत मिल रहे हैं इस नदी में। आप देख सकते फ्रेंड आर के साहब किस तरह से भाग रहे हैं। ये पांचवा झींगा पकड़े इन्होंने गलछड़ी से, बताओ आर के साहब। ये देख सकते हैं आप किस तरह से पांच झींगे हो गए, और ये भी बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, डेढ़ पाव का है करीबन, वीडियो में कम दिख रहा है फ्रेंड। दोस्तों आप देख सकते हैं आर के साहब ने, आर के साहब बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आप देख सकते हैं, और ये आर के साहब बहुत ही खुश है। मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि इनको कितना सारा मछली मिला है। पंचड़ा, पंचड़ा सब छीन लेता।